अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू स्टाइल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये आप मेरा आई मेकअप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सा आई मेकअप है। मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर छोटा सा क्लिप आज लेकर आई हूँ। और ये आपको जस्ट मैं 2 से 3 प्रोडक्ट्स के साथ ये आई मेकअप लुक जो है कि अचीव करके दिखाऊँगी। और वक्त हो जाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त पिगमेंटेड सा ये शेड होगा, रेड शेड होगा। आप इसको लाइट भी कर सकते हैं, आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा है लाइक ये रियल में देखने में और भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो सिंपली आप अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। आईब्रोज़ को आप एज़ यूजल आईब्रोज़ की शेप सेट कर लीजिए, जो भी आपकी नेचुरली आईब्रोज़ की शेप हो। सो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ को ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन इसी स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। आईब्रोज़ के ब्रिसल्स को लाजमी आप सेट कर लिया कीजिए अच्छे से, ताकि वो एक फ्रेश लुक आ जाए। एंड देन आपको क्या करना है, आई बेस रेडी करनी है, वो आप कंसीलर से कर लीजिए, कोई भी फाउंडेशन से कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं वैसे फाउंडेशन फेज इट का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट ना गौर की है ना ही मैं बता रही हूँ। सो बस मैं ऐसे ही आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने 2 से 3 प्रोडक्ट्स में कितना अच्छा आपने देखा आई मेकअप मैंने जो है कि अचीव किया है। और जिन लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनसे लाइनर अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, सो इस मेकअप में आपको लाइनर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा और ये इतना प्यारा सॉफ्ट सा मेकअप हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी वेयर ये आपका मेकअप हो जाएगा। सो आप कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, कोई भी इवनिंग फंक्शन पर जा रहे हैं, तो ये आप जो है कि मेकअप ट्राई कीजिएगा एंड देन आप मुझे इसका फीडबैक देकर बताइएगा। ये बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा मेकअप होने वाला है। यहाँ मैंने सिंपली अपनी आई बेस सेट करी एंड देन पाउडर जो है अंडर आई में मैंने सेट किया, ताकि जो है कि कोई भी प्रोडक्ट फॉल आउट हो, ताकि वो एंड में ईजिली रिमूव हो जाए एंड देन उसके साथ साथ मेरी जो है कि बेस भी सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने जो है कि एक ग्लो के साथ, लिप ग्लो के साथ जो है कि लिप ग्लोस को मैं अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ और अच्छे से सॉफ्टली आप देख रहे हैं आईबॉन तक भी जा रही हूँ, ताकि जो लाइट प्रोडक्ट हो, बिल्कुल लाइट सा शेड पिगमेंट हो, वो ऊपर की साइड पर जाए। एंड देन मैंने कॉर्नर पर थोड़ा सा लाइट शेड दिया है डार्क ब्राउन का। एंड देन यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं हैंग फैंग मैंने यूज़ किया है, सिल्वर पिगमेंटेड था, लाइट सा सिल्वर पिगमेंटेड था। एंड देन आपको कोई सी भी हार्ड सी लाइन क्रिएट नहीं करनी है, उसको हैंड टू हैंड आप ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कॉटन बैट की मदद से ब्लेंड किया है। आप अभी तक का मेकअप का लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पर एक और डार्कर ब्राउन शेड लेने के बाद अगेन मैंने आउटर वी को थोड़ा सा कॉन्टोर किया एंड यहाँ पर रेड कलर से लोअर लिड को मैंने कॉन्टोर किया एंड हैंड टू हैंड मैंने हाईलाइट भी कर लिया। सिंपली जस्ट यहाँ पर मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा अप्लाई करने के बाद सिंपली जस्ट आपको लैशेस अप्लाई करनी है और आप फाइनल लुक देखिएगा। इतना ईजी आई मेकअप है ये और उतना ही खूबसूरत, उतना ही लाइक ज़बरदस्त लगने वाला है। आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। आप 2 से 3 मिनट में ईजिली किसी भी फंक्शन ओकेजन पर जाते वक्त आप 2 से 3 मिनट में फटाफट ये मेकअप कर सकते हैं। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।